हेलो एवरीवन, तो मिशन यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे थे, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 पहले तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट बोले तो पार्ट थ्री में आता है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ठीक है। उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका राइट है आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 क्या है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ह्यूमन बींग में जो ट्रैफिकिंग होती है, खरीद बिक्री होती है, उस पर प्रोविजन है, और फोर्स लेबर जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उस पर रोक लगाया गया है, ठीक है, इस फंडामेंटल राइट के थ्रू। अब यह जो राइट है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सिटीजन हो या एलियन हो, दोनों को ही ये राइट अधिकार मिला है कि आपका कोई यू नो ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है, या आपसे कोई जबरन मजदूरी नहीं करा सकता, फोर्स लेबर नहीं करा सकता। इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। एक तो दोनों के लिए है, चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, एलियन हो। इसके साथ साथ ये स्टेट के अगेंस्ट भी है और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है। मतलब स्टेट भी चाहे तो हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती है, ना ही कोई प्राइवेट पर्सन हमसे जबरदस्ती काम करवा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में क्या है? इट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार दैट इज फोर्स लेबर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो बेगार जो फोर्स लेबर हो गया, या किसी भी तरह का फोर्स लेबर हो गया, या ह्यूमन बींग में ट्रैफिकिंग हो गया, ये सबको प्रोहिबिट करता है। जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आया 1986, बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट आया 1976। तो अलग अलग एक्ट ला के इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। फिर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या बोलता है? कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस। अगर स्टेट चाहे तो कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकता है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है। फिर आर्टिकल 24 क्या बोलता है? कि इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के रोजगार को ये रोकता है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन द हजार्डस जॉब। हजार्डस कोई जॉब है, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पे काम पे नहीं रखना है, ये फंडामेंटल राइट कहता है। सुप्रीम कोर्ट इन एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, स्टेट अथॉरिटीज़ शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। जो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा था कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ है उन्हें क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए किसे, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को। तो ये थी आर्टिकल 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 क्या था? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और 24 क्या था? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आएगा आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो चार आर्टिकल यहाँ पे आएगा। अब इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल में हमें पढ़ा था जो इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। दैट इज अ स्टेट विच ऑब्जर्व एन एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रैलिटी। न्यूट्रैलिटी के एटीट्यूड, मतलब हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी रिलीजन के प्रति कोई झुकाव नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, और हर रिलीजन के प्रति क्या होगा, इम्पार्शियल होंगे, पार्शियल नहीं होंगे, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं होगा, हम न्यूट्रल रहेंगे, बीच में रहेंगे। ये हमारा स्टेट है, इंडिया स्टेट है। और इंडिया में क्या है, देर इज़ नो स्टेट रिलीजन इंडिया। इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, स्टेट का रिलीजन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामिक रिलीजन है, बांग्लादेश में इस्लामिक रिलीजन है, बट इंडिया में हमारा कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है कि फ्रीडम, यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन का ना हमारे अधिकार है कि हम, हमें जो चाहिए हम मान सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसे फैला भी सकते हैं। ये आर्टिकल 25 हमें राइट देता है। एंड इट कवर्स बोथ रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज रिलीजियस कोई रिचुअल्स। कोई रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक आस्था है, या धार्मिक कोई रिचुअल है, रीति रिवाज है, तो दोनों के लिए लागू होगा। लेकिन इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर की अगर बात हुई, पब्लिक ऑर्डर अगर ख़राब हो रहा है, ठीक है, तब जाकर यहाँ पे आवश्यकता पर राइट हो सकता है, छीन सकता है, चाहे मोरालिटी की बात हुई, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हिंदूज इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक है, ये सभी के लिए होगा। अवेलेबल होगा सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, तो दोनों के लिए अवेलेबल है।
फिर आर्टिकल 26 क्या है? तो यहाँ पे है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का क्या है, आज़ादी है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पे ना एक कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट है, अधिकार है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राइट टू मैनेज ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, रिलीजन के मैटर पे अपने अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है। राइट टू ऑन एक्वायर एंड एडमिनिस्ट्रेट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी जो चलांत होगा आप मूव कर सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करने का, फिर उस पर एडमिनिस्ट्रेट करने का भी अधिकार है। यहाँ भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई तीन कंडीशन, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। इट शुड बी कलेक्शन ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड एज कंडक्टिव कंडीसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबिंग। तो ये क्या होना चाहिए, एक आस्था का एक कलेक्शन होना चाहिए जो उस स्पिरिचुअल वेलबिंग से कंडीसिव होगा, मतलब उसे कनेक्ट कर रहा होगा, ऐसा एक डॉक्ट्राइन होना चाहिए। इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव डिजाइनेटेड एज अ बाई अ डिस्टिंक्टिव नेम, डिस्टिंक्टिव नेम। तो ये क्या होगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन कंडीशन रखे थे कि उनका अपना कुछ कलेक्शन ऑफ बिलीफ होना चाहिए, यूनिक एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और एक इट शुड बी डिजाइनेटेड एज अ डिस्टिंक्टिव नेम। आर्टिकल 27 की बात करें तो ये क्या बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर कोई टैक्स माने तो आपको नहीं देना है, मतलब आपको उससे आज़ादी मिली है, आप टैक्स उसको टैक्स पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं। तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। प्रोविड्स द स्टेट फ्रॉम बींग बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये प्रोविड करता है स्टेट को किसी खास रिलीजन के प्रति बायसनेस होने के लिए। स्टेट कैन हाउ एवर चार्ज फी फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअल सर्विस, अगर कोई सर्विस स्टेट को स्पिरिचुअल या स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो फी चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने से भी आपको फ्रीडम मिलता है। इट डिवाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू फोर कैटेगरीज, तो ये इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, इंस्टीट्यूशंस चार कैटेगरी, होली मेंटेन बाय स्टेट। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो होता है जो कम्प्लीटली स्टेट उसको मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज नॉट परमिटेड, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो परमिटेड नहीं होता है। दूसरा है रिकोगनाइज बाय द स्टेट, स्टेट ने मेंटेन तो नहीं कर रही बट रिकोगनाइज कर रही है। तो यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो वॉलंटरी बेसिस पे अगर इच्छा है तो परमिट कर सकती है, ठीक है सरकार। दूसरा है कि रिसीव एड बाय द स्टेट, स्टेट से क्या होता है उसको क्या मिलता है, एड मिलता है, मतलब हेल्प मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है। तो यहाँ भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिट है ऑन वॉलंटरी बेसिस। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेट बाई स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर अ रिलीजियस एंडाउमेंट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो स्टेट तो एडमिनिस्टर कर रही है बट इस्टेब्लिश हुआ है अंडर अ रिलीजियस एंडाउमेंट, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। अब आपका नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज होगी उनके इंटरेस्ट को की रक्षा करना है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट या कल्चर होगा, हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट द सेम, तो उसके पास अधिकार है कि अपना राइट्स को बचा के रख सके, अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को बचा के रखे, कंजर्व करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, बट इंक्लूड्स ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन, जितने भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो सभी की बात हो रही है। दैट इट प्रोटेक्ट्स बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज होंगे या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होगी, मान लो कोई सेक्शन है जो एक उसकी एक खास भाषा है, लैंग्वेज है, वो बहुत कम संख्या में है, तो उसको भी कंजर्व करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो भी इस आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फुल्ली और पार्शली फंडेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, वही बात है
किसी भी सिटीजन को आप जो एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे फुल्ली हो या पार्शली हो, स्टेट की द्वारा फंड किया गया हो, किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अधिकार है आपके पास माइनॉरिटीज के पास कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो अपने पसंद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सके और उसको चला सके, ये अधिकार है हर माइनॉरिटीज को मिला है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। और ये जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने का, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को है, चाहे रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ये हर सेक्शन को नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज होना चाहिए, चाहे रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो। टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो टर्म है माइनॉरिटी, ये डिफाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करना है तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करता है। दस द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है ये इटसेल्फ अपने आप एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एंड बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को। ठीक है, इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए चाहे तो रिट्स इशू कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ रिट्स इज टेकन फ्रॉम द यूके। जो रिट्स इशू करने का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया। अब यहाँ पे 4-5 तरह का रिट्स होता है। एक होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस अगर हम रिट की बात करें तो पर्पस क्या है इसका, तो ये इसका पर्पस है डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ए पर्सन डिटेन बाय अनलॉफुली। अगर कोई किसी पर्सन को अनलॉफुली गैर कानूनी रूप से डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये हैबियस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट अगर हैबियस कॉर्पस रिट इशू कर दिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया अथॉरिटी को टू रिलीज दैट पर्सन विच हैव बीन डिटेंड अनलॉफुली। और इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट ये इशू हो सकता है। कांट बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है, तो लॉफुल अगर डिटेंशन है तब इशू नहीं हो सकता है, प्रोसीडिंग कंसर्न है तब नहीं हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेजिस्लेचर या डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंडमस। मैंडमस की बात करें तो पर्पस क्या है, पर्पस है इसका टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू इट्स ड्यूटी, टू डू इट्स ड्यूटी। ये मैंडमस रिट कब इशू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसके अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, किसी कोई पब्लिक बॉडी है, कोई कॉरपोरेशन है, एंड इन्फीरियर कोर्ट है, जूनियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, गवर्नमेंट है, तो किसी भी को इशू कर सकती है। और किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी हो गया, एक डिस्क्रिशनरी ड्यूटी हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सीजे ऑफ एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, तो इसके अगेंस्ट ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कुओ वारंटो। कुओ वारंटो जो रिट्स है ना, ये डायरेक्ट से पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस एज्यूम्ड रॉन्गफुली। कोई पर्सन जो है किसी के ऑफिस को एज्यूम कर लिया, पोस्ट पे बैठ गया रॉन्गफुली, तो उसको खाली करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। कुओ वारंटो ओनली अगेंस्ट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये सिर्फ किसके अगेंस्ट जारी हो सकता है, कोई क्वासी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता, सिर्फ जो जुडिशियल पर्सन होंगे उसी के अगेंस्ट ये कुओ वारंटो इशू होता है। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन। इट प्रोहिबिटेड लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस। तो प्रोहिबिशन अगर रिट इशू हो गया, सुप्रीम कोर्ट कर देती है, तो इसका मतलब उसने जो लोअर कोर्ट है ना उसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया फॉर प्रोसीडिंग इन अ केस, केस में वो आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट होगा, तो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। किसके अगेंस्ट नहीं होगा, तो लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपका जो लास्ट रिट है ना वो है सर्टी रेडी। यहाँ पे क्या होता है, हायर कोर्ट रिमूव्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट
एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। जो हायर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट से जो प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसको रिमूव करके अपने अंदर कंट्रोल में ले आएगा। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट जारी होता है? तो ओनली ए स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस। ए होगा मिनिस्टेरियल ऑफिस, बी होगा प्राइवेट ऑफिस। एन एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। किसी आदमी अगर एग्रीव्ड इंडिविजुअल है, जिस किसी को लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वो इंसान क्या कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 के उसको पावर देता है कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, आर्टिकल 32 पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। दिस मेक्स सुप्रीम कोर्ट एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। और इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या बन गया, फंडामेंटल राइट का डिफेंडर और गारंटर बन गया। रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल। जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या है, ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है, शेयर बाई हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया कि सिर्फ उसी का राइट होगा, ओरिजिनल मतलब कि इसका भी राइट होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का भी राइट है अंडर आर्टिकल 226। चंद्र कुमार केस 1987, रिट जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड रिट जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चंद्र कुमार केस 97 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का, दोनों क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 33 एंड 35, ये आपका होगा आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आर्टिकल 33 कहता है ये पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो अगर चाहे तो सिक्योरिटी सर्विसेज से के जो मेंबर्स होंगे ना, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या खत्म कर सकती है। पावर कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये जो पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट का दिया हुआ है, मतलब पार्लियामेंट ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है। ठीक है, इट अलाउज कोर्ट मार्शल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिट जुरिसडिक्शंस ऑफ एससी एंड एससी हाई कोर्ट। ठीक है, और एससी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है उससे कोर्ट मार्शल एक्सक्लूडेड है, मतलब कोई भी रिट सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट मार्शल होते हैं उनके लिए नहीं होगा, वो उनके बाहर होता है जुरिसडिक्शन से। आर्टिकल 34 की अगर बात करें तो आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इनफोर्स इन एरिया। किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा। ठीक है, वो है आर्टिकल 34 में। टर्म मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ जो है वो डिफाइंड नहीं है संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट द मार्शल लॉ एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि पावर टू मेक लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू बी वेस्टेड विद पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहता है कि अगर पावर टू मेक लॉज, जो कानून बनाने का पावर है जिससे किसी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट में लाया जाए, ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट एंड नॉट ए स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉज विद रिगार्ड टू आर्टिकल आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 33 34। इसमें कौन बनाएगा कानून, पार्लियामेंट बनाएगा। अब एक देखते हैं कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो मार्शल लॉ में क्या होता है, अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जो भी सरकार और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है उसको सस्पेंड करता है। इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण से अगर लॉ एंड ऑर्डर में ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। इम्पोज सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द कंट्री, ये किसी स्पेसिफिक एरियाज पे इम्पोज होता है। नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं है और ये काफ़ी इम्प्लिसिट है। अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो अफेक्ट्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारा इफेक्ट उसका होता है, फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट करेगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को खराब करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का
उसको ख़राब करेगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट वो भी ख़राब हो जाएगा और पार्लियामेंट का टेन्योर नहीं बढ़ सकता है। इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। तो यहाँ पे जो सरकार और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट होता है वो कंटिन्यू होता है, यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इम्पोज ऑन ओनली थ्री ग्राउंड, सिर्फ तीन ग्राउंड है, वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या आर्म रिवेलियन हो गया। यहाँ पे किसी भी कारण से अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो इम्पोज हो सकता है। इम्पोज आइदर इन द होल कंट्री और इन पार्ट ऑफ इट, ये भी या तो पूरा कंट्री में लग सकता है या किसी पार्ट में लग सकता है। स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन है ये, क्या एक्सप्लिसिट। अब राइट्स आउटसाइड पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ राइट्स जो पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट से बाहर हैं, जैसे कि आर्टिकल 265, ये पार्ट 12 में आता है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई भी टैक्स कोई भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अथॉरिटी बाई लॉ ऑफ लॉ, जो कानून द्वारा बनाए गए अथॉरिटी होगा सिर्फ वही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ओरिजिनली प्रोवाइडेड थ्रू आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ इन आर्टिकल 31, हाउएवर ओरिजिनली इसमें था। ठीक है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिपील आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31, दोनों को रिपील किया, खत्म किया फ्रॉम पार्ट थ्री। फिर आर्टिकल 300A पार्ट 12, और इसको इंसर्ट कर दिया पार्ट 12 में अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, दस इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन अब बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। आर्टिकल 301 पार्ट 13 में आता है, ट्रेड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सब फ्री, पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होगा जो ट्रेड और कॉमर्स होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। और राइट टू वोट ये पार्ट 15 में आता है, आर्टिकल 326 में आता है। ठीक है, प्रोवाइड्स एट द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, जो भी इलेक्शन होगा लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये होगा एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से, मतलब हर 18 प्लस जो आदमी होगा उसके पास वोटिंग का अधिकार होगा और हर वोटिंग का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या DPSP, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।